सबसे पहले पहला क्वेश्चन लेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक्स माइनस टू इक्वल टू सेवन, ठीक है। तो अब इसमें क्या करते हैं, जब सॉल्व करते हैं तो इस साइड जो न्यूमेरिकल वैल्यूज होते हैं उसको क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड से राइट हैंड की तरफ ले जाते हैं। तो लेफ्ट हैंड से राइट हैंड की तरफ ले जाते समय क्या होता है, इसका जो साइन होता है वो चेंज हो जाता है। अगर माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। यहाँ माइनस है तो इधर आएगा तो प्लस। देखो क्या हो जाएगा, एक्स इक्वल टू सेवन प्लस टू, एक्स इक्वल टू नाइन, ये हो गया आंसर, है ना। इसका दूसरा देखो सेम है, वाई प्लस थ्री इक्वल टू टेन, है ना। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, y इक्वल टू टेन माइनस थ्री, तो y इक्वल टू हो जाएगा सेवन, ये हो गया आंसर, ठीक है। इसका तीसरा क्वेश्चन देखो क्या है, ये थोड़ा सा अपोजिट साइड दिख रहा है ना, सिक्स इक्वल टू जेड प्लस टू। तो हम इसको पहले पलट के लिख लेंगे, कैसे लिखेंगे, जेड प्लस टू इक्वल टू सिक्स, ये हो जाएगा जेड इक्वल टू सिक्स माइनस टू, तो जेड इक्वल टू फोर, ये हो गया आंसर, है ना। अब देखो ये चौथा थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, चौथा देखते हैं, है ना, देखने में लग रहा है थोड़ा सा। ये क्या है, थ्री अपॉन सेवन प्लस एक्स इक्वल टू सेवनटीन अपॉन सेवन, ये एक्स है, ठीक है। तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेवनटीन अपॉन सेवन, और ये इस साइड आएगा तो माइनस थ्री अपॉन सेवन, ठीक है। इसका एलसीएम ले लेंगे, एक्स इक्वल टू इनका एलसीएम ले लेंगे, सेवन और सेवन का एलसीएम सेवन ही होगा, ये हो गया सेवनटीन माइनस थ्री इक्वल टू फोर्टीन अपॉन सेवन, तो सेवन टू जा फोर्टीन, ये हो गया टू आंसर, ठीक है, एक्स इक्वल टू टू। क्वेश्चन नंबर फाइव देखो, क्वेश्चन नंबर फाइव क्या है, सिक्स एक्स इक्वल टू ट्वेल्व, है ना। तो अब देखो, अभी तक हमने प्लस माइनस देखा था, इस बार मल्टीप्लाई है, अगर ये मल्टीप्लाई में रहेगा तो इस साइड आएगा तो डिवाइड में, एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, ट्वेल्व अपॉन में सिक्स, सिक्स वन जा सिक्स, सिक्स टू जा ट्वेल्व, एक्स इक्वल टू टू, ये हो गया आंसर, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर सिक्स क्या है, टी अपॉन फाइव इक्वल टू टेन, अब ये डिवाइड में है तो इस साइड आएगा तो क्या जाएगा, मल्टीप्लाई में, तो t इक्वल टू हो जाएगा 10 मल्टीप्लाइड बाय 5, तो t इक्वल टू हो जाएगा 5 टेन जा 50, ये हो गया आंसर, है ना। अब देखो 7 में दोनों ही चीज़ें, डिवाइड भी और मल्टीप्लाई है, कैसा है, 2x अपॉन 3 इक्वल टू 18, ये हो जाएगा। अब देखो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 18 और जो नीचे है वो चला जाएगा इसके ऊपर इधर, और जो ऊपर है इट मीन जो मल्टीप्लाई में वो डिवाइड में, है ना। तो 2 9 जा 18, तो x इक्वल टू 9 3 जा 27, ये हो गया आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, इसमें पॉइंट है ना, 1.6 इक्वल टू y अपॉन में 1.5, जब ऐसा हो तो इसके नीचे कुछ नहीं, ऐसे मान लेते हैं, इसको क्रॉस कर देंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 इंटू वाई इक्वल टू वाई इक्वल टू 1.6 इंटू 1.5। अब 1.6 को 1.5 से मल्टीप्लाई कर दो, है ना, मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई कर देंगे 1.6 और 1.5, मल्टीप्लाई करो 240 हो गया। अब पॉइंट वन और वन टू डिजिट के बाद, तो यहाँ पे तो y इक्वल टू हो जाएगा 2.4, है ना, 40 लिखने की ज़रूरत नहीं, हम यहाँ पे लिखेंगे तो ये भी हो जाएगा सही, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है हमारे पास, 7x माइनस 9 इक्वल टू 16, तो अभी इसमें देखो इसमें क्या है, माइनस भी और मल्टीप्लाई, पहले क्या करेंगे 7x इक्वल टू 16 और इधर माइनस है, इधर आएगा प्लस का 9, 25, तो ये हो गया 7x इक्वल टू 25, एक्स इक्वल टू क्या जाएगा, इसको मिक्स फ्रैक्शन में अगर लिखेंगे तो 7 3 जा 21 और 4 अपॉन 7, ये हो गया आंसर, क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 10,
क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, 14y-8=13, ये है ना, ये हो गया 14y=13 प्लस में 8, जरा प्लस करो 13 और 8 को क्या आ जाएगा, 21. तो y इक्वल टू हो जाएगा 21, और ये 14 इधर मल्टीप्लाई में था तो इधर नीचे, तो 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, तो y इक्वल टू हो गया 2 3 अपॉन में 2, ये हो गया आंसर, ठीक है। और कह रहा है 11, क्वेश्चन नंबर 11 देखो क्या है, 17+6p=9, ठीक है, तो 6p=9 क्या हो जाएगा 9, और ये इधर आएगा तो माइनस का 17, तो अब क्या करेंगे, 17 में से 9 माइनस कर दो, क्या जाएगा 6p=-8, तो p=हो जाएगा -8/6, 2 3 जा 6 2 4 जा 8, तो p=हो गया -4/3, ये हो गया आंसर, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन नंबर 12, x/3+1=7/15, ठीक है, x/3 इधर रहने दिया और ये क्या करते हैं 7/15, और ये माइनस में 1/1 ऐसे लिख लेते हैं, 14/13, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, x/3 ये हो गया, और अब इसका एलसीएम ले लेंगे, ये हो गया 15, ये हो गया 7-15, ठीक है, x/3=हो जाएगा, अब इसमें से माइनस करो तो ये जाएगा -8/15, अब ये इधर से जाएगा तो x=हो जाएगा -8/15, और ये नीचे आ जाएगा, नीचे है तो इधर आएगा तो ऊपर मल्टीप्लाई आ जाएगा 3 3 5 जा 15, ये हो गया -8/5 आंसर।